व्हाट्सअप गाइज, दिस इज हीरोज अंबर, वी आर बैक टू अनदर ब्लॉग। सो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करते हैं। सो दोस्तों, आज के ब्लॉग को हम अपने गांव से थोड़ा दूर आकर ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मोटिव नहीं था, लेकिन दोस्तों और ये मौसम को देखते हुए ये ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम अपने गांव से थोड़ा सा दूर यानी अपने फील्ड की तरफ आए हुए हैं और फील्ड की तरफ खेलने के लिए आए हैं। सो दोस्तों, मैंने सोचा कि आप सभी को आज अपने गांव का फील्ड को एक्सप्लोर करा दूँ। सो दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग में आप सभी को अपने फील्ड को दिखाने वाले हैं और लोग जो खेल रहे हैं उसे भी दिखाएंगे। सो दोस्तों, आज मैं पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले थोड़ी बहुत खेलता था, लेकिन कितनों दिनों के बाद सारे लोग मुहर्रम के मौके पर आए हुए हैं। इस मौके पर हम भी निकले हुए हैं इस फील्ड की तरफ खेलने के लिए। जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग खेल रहे हैं। तो दोस्तों, वहीं पे आके मैं भी आया हुआ खेलने के लिए। तो दोस्तों, अभी ये वीडियो हम फील्ड के दूसरे साइड से शूट कर रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं उस साइड से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने ये रुख दूसरे साइड कर लिया है। उस साइड ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट चेहरे पे लग रही थी, जिसकी वजह से मैं कैमरे को लेंस को नहीं देख पा रहा था और आंख मेरी बंद हो जा रही थी सूरज के रोशनी से। सो दोस्तों, अभी हम ये वीडियो दूसरे साइड से शूट कर रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं ये पूरा फील्ड है जहाँ पे एक टीम खेल के जा चुकी है, दूसरी टीम के खेलने के लिए आ रहे हैं। सो दोस्तों, आज हम आप सभी को इस फील्ड पर जो खेल रहे हैं क्रिकेट, उस चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों, हमारे टीम के सारे लोग अभी फील्डिंग करने के लिए लगा हुआ है। मैं भी इसी टीम में हूँ और मैं भी फील्डिंग में एक तरह से एक प्लेयर हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं हर तरफ हर लोग फील्डिंग करने के लिए खड़े हुए हैं और अभी मनोवर साहब बहुत तेज से लिए गेंद ढूँढ रहे हैं। सो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं पूरा फील्ड प्लेयर से खचाखच भरा हुआ है और उधर तरफ जो लोग खेल के चले गए हैं उधर तरफ बैठे हुए हैं वो पेड़ के पास, जैसे कि देख पा रहे हैं उधर दूर में है। और अभी गेंद को खोज के आ चुके हैं और चलते हैं, देखते हैं मनोवर साहब किस तरह से खेल रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि इस ब्लॉग में आप सभी को अपने फील्ड को एक्सप्लोर कराऊंगा। सो दोस्तों, अभी वो टाइम आ गया है और मैं अभी आप सभी को अपने फील्ड को दिखाने वाला हूं। सो दोस्तों, अभी फील्ड के ऊपर हूं। जैसे कि देख पा रहे हैं ये पूरा फील्ड है और ये फील्ड की नीचे की हालत देख सकते हैं, कितना गड्ढा और ऊँचा इधर है। जब बॉल मारता है तो डायरेक्ट नीचे की तरफ जाता है, जैसे देख पा रहे हो वो बंदा दौड़ रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये पूरा यानी नदी है, इसके ऊपर ये थोड़ी सी फील्ड वाली जगह है, यहीं पे हम लोग हमारे गांव के सारे लोग यहाँ पे खेलते हैं और ये फील्ड को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं। और ये देखिए पूरा बालू उठा उठा के। सो दोस्तों, ये हमारे गांव का फील्ड है जिसे मैंने अभी दिखाया। तो दोस्तों, अभी देख रहे हैं सारे लोग इस फील्ड पर खेल रहे हैं और इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं और उधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और देख सकते हैं कितना बेहतरीन मौसम है और बेहतरीन मौसम में देख रहे हैं। और ये देखिए, सो दोस्तों, ये हमारा आज का फील्ड का एक्सप्लोर कराना हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अभी खेलने के लिए कुछ ओवर बाकी है। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई उम्मीद और नए लोकेशन के साथ। चलते हैं, एंड करते हैं। सर दोस्तों, देख पा रहे हैं कितना अंधेरा हो चुका है और अभी खेलने के लिए काफ़ी सारे ओवर्स बाकी है। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक दूसरी ब्लॉग में एक नए लोकेशन पर। तब के लिए बाय।